क्लास सेवन चैप्टर ट्वेल्व रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एंड इन टूडेज क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जो कि एक ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन का वे है इससे पहले वाली वीडियो में हमने वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन डिटेल में समझा दैट मीन्स वॉट इज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन वॉट आर दी वेजिटेटिव पार्ट ऑफ अ प्लांट And how plant reproduce through vegetative parts? That means natural way of reproduction as well as artificial way of reproduction with example detail में discuss करा अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो जल्दी से जाना है चैनल पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी ताकि आपको ज्यादा स्क्रॉल ना करना पड़े तो आज की क्लास में एडवांटेजेस पढ़ेंगे। सो आर यू गाइज इंटरेस्टेड लेट्स गेट स्टार्ट तो तीन एडवांटेजेस हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्लांट्स दैट आर प्रोड्यूस्ड विद वेजिटेटिव प्रोपोगेशन ग्रो फास्टर दैन दो दैट आर प्रोड्यूस्ड विद सेक्शुअल रिप्रोडक्शन एज यू ऑलरेडी नो प्लांट ए सेक्शुअली और सेक्शुअली दोनों तरीके से रिप्रोड्यूस करता है पर अगर हम प्लांट को वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के थ्रू रिप्रोड्यूस कर रहे हैं तो प्लांट का ग्रो होने का जो चांस है वो बहुत ज्यादा हाई हो जाता है दैट मीन्स ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन से बाई वेजिटेटिव मेथड से अगर प्लांट को ग्रो करेंगे द

उनके फ्रूट्स और फ्लावर्स जो हैं टाइम से पहले ही ग्रो हो जाते हैं तभी तो कहा जा रहा है ये जो है वेजिटेटिव प्रोपगेशन एक फास्टर मेथड है रिप्रोडक्शन का थर्ड प्रोसेस द थर्ड एडवांटेजेस द प्लांट्स दैट आर रिप्रोड्यूस हैव एग्जैक्टली द सेम कैरेक्टरिस्टिक एज दैट ऑफ देयर पेरेंट्स तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन दैट मीन्स ए सेक्शुअल रीप्रोडक्शन के थ्रू अगर हम प्लांट्स को ग्रो कर रहे हैं तो प्लांट जो पेरेंट प्लांट हैं और जो ऑफस्प्रिंग है वो एग्जैक्टली exactly सेम होंगे यानी कि सेम कैरेक्टरिस्टिक जो है वो पेरेंट प्लांट से उनके न्यू जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं तो कहीं ना कहीं इससे बहुत ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक मैच हो जाते हैं प्लांट्स के और हम डिज़ायर्ड क्वालिटी का प्लांट जो है ऑप्टेन कर पाते हैं बाई डिफरेंट वेज आपने वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में देखा ना कैसे ग्राफ्टिंग मेथड हम यूज कर रहे थे आर्टिफिशियल मेथड कैसे हम नेचुरली प्लांट्स को ग्रो कर पा रहे थे जिससे पेरेंट प्लांट के कैरेक्टरिस्टिक इजिली उनके न्यू प्लांट में ट्रांसफर हो रहे थे और प्लांट जो है बहुत ही अच्छे से ग्रो होते हैं इस प्रोसेस से तो ये तीन एडवांटेजेस हैं तो बहुत अच्छे से आपको इन्हें याद करना है थैंक्स फॉर वॉचिंग प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दी चैनल लर्न एंड ग्रो बेटर